नमस्कार साथियों पांडे आप सभी मित्रों का आपके प्रिय प्लेटफॉर्म सचिन एकेडमी के वाई चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं कैसे हैं साथियों आप सभी के सभी लोग चलिए मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी के सभी साथी स्वस्थ होंगे बेहतर होंगे बढ़िया होंगे तो आपके सीटेड पेपर टू की साइंस की क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है साथियों तो जैसा कि आपको पता है ये जो पार्टिकुलर सेशन है अपना ये सेशन ये सेशन आता है सैटरडे और संडे को सवा नौ बजे आता है और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इस सेशन के अंतर्गत अपने साइंस के क्वेश्चंस के विषय में सो पार्टिकुलरली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं साथ ही साथ कुछ नए प्रश्नों को भी देखेंगे और आपके जो होंगे यहाँ पर बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के सम्मिश्रण क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं साथियों तो आप ध्यान में रखा कीजिए कि सिक्स टू एट क्लास की एनसीआरटी को थ्रू आउट आप रीड कर लीजिए बढ़िया से तैयार कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा और अगर आप लोग पेड कोर्सेज के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि सचिन एकेडमी ऑफिशियल्स पर हमारा पेड कोर्स जो है वो के के लिए लिए चल रहा हुआ है सो तो आप में से जो साथी जो साथी इंटरेस्टेड हैं हैं पेड कोर्सेज देख रहे हुए वो वहां पर जाकर देख सकते हैं कर सकते हैं तो ये कोर्सेज जो है वो अनगोइंग चल रही हुई है तो तेजी से सभी के सभी लोग जुड़ जाइए और साथ ही साथ क्या कर लीजिए इस सेशन को साथियों जो है अपने मित्र भाई बंधुओं के बीच में आप शेयर कर दीजिए ताकि उन विद्यार्थियों का भी भला हो जाए जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं करते हैं जो यूट्यूब के थ्रू पढ़ते हैं ठीक है अच्छा एक और सूचना है आप सभी साथियों के लिए कि जैसा कि आपको पता होगा अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको सूचित कर दूं कि आ, हम सबके प्रिय सचिन सर जो थे वो आउट ऑफ स्टेशन थे जिनके चलते उनकी क्लासेस जो थी वो नहीं हो पा रही हुई थी तो मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि कल से पुनश्चा सचिन सर जो हैं अपने रेगुलर टाइम पर आप लोगों को मिलेंगे तो सचिन सर की जो क्लासेस है सीडीपी की जो क्लासेस उनकी चलती है उनके नियत समय पर चलेगी तो चलिए बिना समय को गवाए हुए आज का जो सेशन है इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं प्रारंभ करते हैं तो तेजी से आप लोग प्रश्नों का जवाब देंगे क्योंकि जितनी तेजी से आप लोग चलेंगे उतने तेजी से ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम लोग लेने का प्रयास करेंगे तो सेशन को एक बार फटाफट -फड़ शेयर कर दीजिए और इसके साथ आपके स्क्रीन पे ये आता हुआ आज के सवाल आज के सेशन का पहला सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया है सो फटाफट आप लोग क्या करेंगे साथियों इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ठीक है साथियों तो आज के सेशन का ये जो पहला सवाल है ये पहले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे ये पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो कि फिजिक्स से बना हुआ क्वेश्चन है ये कह रहा है एक साइकिल सवार जो है दो मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करती है उसकी चाल याद कीजिए सिंपल सा सवाल है बस आपको ध्यान में ये रख लेना है कि यहां पर जो है मीटर में दिया हुआ है और यहां पर क्या दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है जबकि आपके विकल्प जो दे रहे हैं ये मीटर प्रति सेकंड में विकल्प दे रहे हुए हैं तो दूरी क्या दी हुई है साथियों फटाफट आप लोग देखिए डिस्टेंस क्या दिया हुआ है दूरी जो है यह आपको दी हुई है 360 मीटर दी हुई है समय क्या दिया हुआ है समय दिया हुआ है दो मिनट तो यहां पर समय सेकंड में जाना है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे एक मिनट में जो होते हैं हमारे पास साथियों साठ सेकंड हो जाते हैं तो दो मिनट के अंतर्गत हमारे पास कितना हो जाएगा दो गुने साठ एक सौ बीस सेकेंड हो गए अब आप आपको क्या निकाल लेना है साथियों आपको चाल निकाल लेना है, तो चाल लेना है तो चाल बराबर क्या हो जाती है दूरी बटा समय हो जाती है जैसा कि आप सभी साथियों को विदित होगा कि जब हम चाल की बात करते हैं तो चाल बराबर क्या हो जाता है दूरी बटा समय हो जाता है डिस्टेंस कितना मिला है तीन मीटर मिला हुआ है समय कितना लग गया साथियों 120 सेकंड का समय लग गया तो या 36 यानी कि मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड और यह विकल्प कहां पर दिया हुआ है यह दिया हुआ है सी विकल्प यानी कि तीसरे विकल्प में तो तीसरा विकल्प सही उत्तर है और ध्यान में रखा कीजिए कि आप लोगों के लिए पोल के पोल भी अवेलेबल है तो वहां पर भी आप उत्तर देते हुए चलेंगे साथियों आते हैं सेकंड क्वेश्चन के तरफ आते हैं सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सेकंड क्वेश्चन रहा हुआ है साथियों कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जा सकता है आपसे कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ अन्केव मिरर इज ट्वेंटी सेंटीमीटर एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव मिरर कुस टू प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ध्यान में रखा कीजिए किस तरह का इमेज प्रोड्यूस करना है वर्चुअल इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करना है तो फटाफट आपको इसको उत्तर देना हुआ है कि कितनी दूरी पर रखा जाएगा सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा साथियों की अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के अंतर्गत तो कॉनकेव मिरर के अंदर छह तरह के प्रतिबिंब बनते हैं छह तरह की इमेज फॉर्मेशन जो होती है इसमें देखने को मिलती है ठीक है अगर हम कॉनकेव मिर की बात करें तो कॉनकेव मिरर के अंतर्गत थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कॉनकेव मिरर के अंतर्गत छह तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है छह तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है अवतल दर्पण के अंतर्गत जिसमें वस्तु को क्या किया जाता है एक बार तो वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है फिर वस्तु को फोकस पे रखा जाता है फिर वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है फिर वक्रता केंद्र पर और वक्रता केंद्र से दूर तो छह स्थितियां होती है पहली स्थिति में पोल और फोकस के बीच रख रहे हैं दूसरी स्थिति में फोकस पे रखते हैं तीसरी स्थिति में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं चौथी स्थिति में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं पांचवी स्थिति में सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं और छठी स्थिति में कब रखते हैं अनंत पर रखते हैं तो आपको पता है कि जब अवतल दर्पण की बात आप करते हैं तो पांच जो कंडीशन है इस पांचों कंडीशन में क्या बनती है पांच कंडीशन में साथियों बनता है वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनती है रियल एंड इनवर्टेड इमेज साथियों बनती है केवल एक स्थिति है केवल एक स्थिति है जिसमें आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है और वह कब बनता है वह तब बनता है जब वस्तु को रखते हैं फोकस और पोल के बीच फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं साथियों ध्रुव के बीच रखते हैं ठीक है बिटवीन कहाँ रखते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल रखते हैं तो इमेज कहां पर बनता है दर्पण के पीछे बनता है जो कैसा होता है आभासी प्रतिबिंब होता है अब यहां सवाल में देखिए तो पास 20 सेंटीमीटर दी गई हुई है इसका मतलब क्या होगा कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई हुई है और फोकस और पोल के बीच में रखेंगे आभासी प्रतिबिंब के लिए तो 20 सेंटीमीटर से कम होगा बीस सेंटीमीटर से कम होगा अब यहां पर ऑप्शन चेक कीजिए कि 20 सेंटीमीटर से कम कौन सी वैल्यू है तो आप कहेंगे सर पहली वैल्यू है यानी कि 10 सेंटीमीटर है सो द राइट आंसर विल बी 10 सेंटीमीटर सो द राइट आंसर विल बी 10 सेंटीमीटर माय फ्रेंड 10 सेंटीमीटर जो होगा वह राइट right आंसर होगा क्लियर है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल क्या कह रहा हुआ है कह रहा है जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशतः किस भाग पर चिपकता है कह रहा है कि एक छड़ चुंबक के पास लोहे के बुरादे को लाया जाता है तो ये जो लोहे के बुरादे होते हैं अधिकांशतः किस भाग पर चिपकते हैं साथियों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब कभी भी किसी भी चुंबक को हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं जब फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है तो यहां पर क्या हो जाता है इसके दो पोल हो जाते हैं साथियों एक उत्तरी ध्रुव हो जाता है दूसरा दक्षिणी ध्रुव हो जाता है है ना साउथ और नॉर्थ दो पोल आपके पास देखने को मिलते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव देखने को मिलते हैं और आपको पता है ये जो पोल होता है इस पोल पर सबसे ज्यादा ध्रुव पर सबसे ज्यादा चुंबकत्व का गुण होता है मैग्नेटिज्म का गुण जो होता है यह सबसे ज्यादा कहां पर होता है ध्रुवों पर मैग्नेटिज्म का गुण सबसे ज्यादा होता है अब आप बात करेंगे कि सर ध्रुवों पर मैग्नेटिज्म का गुण क्यों सबसे ज्यादा होता है क्योंकि चुंबक के अंतर्गत ध्यान में रखा कीजिएगा कि जो चुंबकत्व का गुण होता है वह चुंबकत्व का गुण किसके कारण होता है चुंबकीय बल रेखाओं के कारण होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस के कारण होता है और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस वो होती है जो चुंबक के एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव को मिलती है एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव को मिल मिलती है तो ये चुंबकीय बल रेखाएं सबसे पास पास कहाँ पर होती है ध्रुवों पर होती है इसीलिए पोल के ऊपर चुंबकत्व का गुण सबसे ज्यादा होता है और चुंबक के ठीक बीचों बीच बात करें तो यहां पर मैग्नेटिज्म का वैल्यू क्या हो जाता है मिनिमम होता है सबसे कम होता है चुंबक के बीच में तो चुंबक के अंदर आकर्षण का गुण या मैग्नेटिज्म का गुण सबसे ज्यादा कहां पर है उसके ध्रुवों पर है यानी कि जो हमारे पास लोहे के बुरादे दिए गए हुए हैं वह कहां पर चौक अधिक चिपकेंगे उसके ध्रुवों पर और ध्रुव कहां पर है किनारों पर है किनारों पर है यानी कि राइट आंसर क्या होगा फोर्थ ऑप्शन होगा अधिकांशतः दोनों किनारे पर होंगे ठीक है मोस्टली नियर टू एंड्स सो द फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर माई फ्रेंड गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन अगले प्रश्न के लिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न के लिए चलते हैं अगला प्रश्न देखिए ये कह रहा है कि ए बी सी और डी निम्न चार माध्यमों को निरूपित करते हैं ए कौन से माध्यम को बता रहा है ए वायु को बता रहा हुआ है बी किसको बता रहा है बी जल को बता रहा हुआ है सी किसको बता रहा है लोहे की छड़ को बता रहा हुआ है और डी किसको बता रहा है निर्वात को बता रहा है आपसे पूछा गया है ऊपर दिए गए माध्यमों में ध्वनि की गति क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम किसमें होगी आपको बताना है है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होगा साथियों यह किस में अधिक होगा साथियों सबसे पहले प्रश्न बनाया जाता है कि दो व्यक्ति चंद्रमा पर पहुंच जाते हैं और चंद्रमा पर पहुंचकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की ध्वनि नहीं सुनाई देती है और दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति की ध्वनि नहीं सुनाई देती है तो ऐसा क्यों होता है तो आप कहते हैं कि सर चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है निर्वात है तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चलती है क्योंकि जब हम ध्वनि तरंगों की बात करते हैं तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है कैसी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है साथियों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है कैसी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है और इनको चलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है माध्यम जितना सघन होगा माध्यम जितना सघन होगा जितना डेंसर होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस मीडियम में होती है माई फ्रेंड सबसे ज्यादा ठोस में होती है इसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम किस में होती है गैस में होती है आप सभी लोगों को यह विदित होगा तो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा फिर लिक्विड के अंदर और फिर मीडियम के के अंदर के अंदर वैक्यूम तो ध्वनि तरंगे चलती ही नहीं है तो निर्वात को तो वैसे ही हटा दीजिए अब पूछा गया है न्यूनतम तो न्यूनतम सबसे ज्यादा में होगा गैसीय माध्यम कौन सी है भैया तो ए है वायु में सबसे कम होगा और सबसे अधिक ठोस माध्यम तो ठोस माध्यम कौन सी है लोहे की छड़ है तो न्यूनतम किसमें हो गया वायु में और अधिकतम हो गया लोहे की छड़ में यानी ए और सी हो गया तो ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन हो गया बताइए किसी तरह की कोई दिक्कत किसी तरह का कोई ग्लिच आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत साथियों सीधा सीधा सा सवाल है कौन सा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा थर्ड इज द राइट आंसर ओके अगले सवाल की तरफ चलू चलिए तो फिर अगले सवाल की तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूं यहां पर देखिए इस तरह के प्रश्न जो है ये सीटेट की खासियत है जो प्रश्न अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पे या आपके लैपटॉप आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ये सीटेट की खासियत होती है तो इस प्रश्न पे पहुंचेंगे ये कह रहा है किसी शिक्षक को एक पत्ती को परख नली में रखा और उसमें स्प्रिट यानी कि एल्कोहल डाला अब उन्होंने परख नली को तब तक गर्म किया जब तक कि उसमें से सारा हरा रंग बाहर नहीं निकल गया जब तक सारा हरा रंग बाहर नहीं निकल गया तब तक उन्होंने क्या किया इसको गर्म किया फिर उन्होंने पत्ती को बाहर निकाला और उसमें आयोडीन विलियन डाला अरे बाबू इसने कर दिया आपकी हेल्प बोल दिया कौन सा विलियन डाला है आयोडीन विलियन डाला है आयोडीन विलियन का उपयोग किसके परीक्षण में करते हैं अगर आपको पता होगा तो आसानी से जवाब हो जाएगा छात्रों ने निम्न कथन अपनी कॉपी में लिखे पत्ती का रंग नीला काला हो गया पत्ती में स्टार्च है अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है ए प्रेक्षण है बी निष्कर्ष है ए निष्कर्ष है बी प्रेक्षण है ए और बी दोनों प्रेक्षण है या ए और बी दोनों निष्कर्ष है साथियों फटाफट -फड़ इसका उत्तर बताएं तो सीधी सी बात है कि आयोडीन विलियम का उपयोग किसके किसको चेक करने में करते हैं स्टार्च को चेक करने में करते हैं स्टार्च की उपस्थिति होने से रंग कैसा हो जाता है काला नीला पड़ जाता है तो इसने कहा हुआ है कि पत्ती का रंग नीला और काला हो गया मतलब क्या हुआ ये प्रेक्षण हुआ अब इससे निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि इसमें स्टार्च या मंड की उपलब्धता है यानी ये क्या हो रहा है ए जो हो रहा है ये प्रेक्षण हो रहा हुआ है और पत्ती में क्या है स्टार्च है साथियों तो ये क्या हो रहा है ये निष्कर्ष निकला हुआ है कंक्लूजन निकला हुआ है यानी ए प्रेक्षण है और बी क्या है निष्कर्ष है तो कौन सा उत्तर सही चल रहा हुआ है बंधु मेरे तो यहां पर उत्तर जो चल रहा हुआ है ये पहला उत्तर सही है दूसरा कौन कह रहा है ए निष्कर्ष कैसे होगा निष्कर्ष तो ये निकला ना कि पत्ती में स्टार्च है सेकंड कैसे कह रहे हो मेरे दोस्त मेरे बंधु मेरे सखा सेकंड कैसे कह रहे हो देखो सेकंड में कह रहा है कि ए प्रेक्षण हुआ ना प्रेक्षित हमने क्या किया कि पत्ती का रंग काला और नीला हो गया अब इससे हमने निष्कर्ष क्या निकाला निष्कर्ष ये निकाला कि उसमें क्या था बाबू स्टार्च था मंड था तो ए इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर यानी कि पहला जो है वो सही है आगे बढ़ते हैं अब यहां पर देखिए यह आसान सा सवाल आप सभी विद्यार्थियों के लिए प्रीवियस ईयर का यह कह रहा है निम्न में से कौन कॉलम ए में दिए गए विभिन्न विटामिनों का कॉलम बी में दिए गए उनके प्रकार या कार्यों के साथ सही मिलान दर्शा रहा हुआ है ठीक है एक तरफ विटामिन दिए गए हुए हैं और दूसरे तरफ उनके कार्य दिए गए हुए हैं तो विटामिनों को उनके कार्यों के साथ मिलाना है और आपको बताना है साथियों कि इसमें से सही विकल्प जो है वो सही विकल्प कौन सा है चलिए आइए इसको चेक करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन ए की तो विटामिन ए जो होता है आपको पता है इसकी कमी से रतौंदी होती है मतलब आंखों के लिए तो यह बेहतर होगा अब आंखों के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है मेरे भाई आंखों का ऑप्शन दूसरा मिल रहा हुआ है हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ बनाता है मतलब ए का कौन सा हो गया दूसरा हो गया चलिए ए का दूसरा हो गया बी में चलते हैं विटामिन सी विटामिन सी आपको पता है कि विटामिन सी जो होता है शरीर को संक्रमण से बचाता है रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है ये कहाँ पर दे रहा हुआ है ये दे रहा है कई रोगों से लड़ने में मदद करता है यानी बी का क्या हो गया बच्चे तीसरा हो गया विटामिन डी आपको पता है कि विटामिन डी जो होता है इसकी कमी से आप लोग कहते हैं रिकेट्स या ऑस्ट्रियो जैसे रोग होते हैं जो कि हड्डियों से संबंधित होता है साथियों तो हड्डियों से संबंधित कहा दिया गया है एक दिया गया हुआ है यानी सी का एक हो गया तो अपने आप भैया जो बचा डी डी का क्या हो गया विटामिन बी यानी कि चौथा हो गया शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है तो बाबू क्या निकल रहा हुआ है दो तीन एक चार निकल रहा है जरा चेक करो दो तीन एक चार कौन से विकल्प में है तो तीसरे विकल्प में है थर्ड विकल्प में है तो थर्ड जो है ये राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर माय फ्रेंड गो फॉर नेक्स्ट वन अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल यहां पर देखें ये जो है नागफनी के विषय में आपसे सवाल किया गया हुआ है कैक्टस के विषय में सवाल किया गया हुआ है क्वेश्चन पे पहुंचते हैं क्या कह रहा हुआ है कैक्टस के विषय में ये कह रहा हुआ है साथियों कि कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया हुआ है नागफनी का पौधा जो होता है वह रेगिस्तानी परिस्थितियों में साथियों जीवित रहने के लिए खुद को किस तरीके से चेंज किया हुआ है कह रहा है कि पत्तियां कांटो के रूप में होती है बिल्कुल सही है नागफनी की पत्तियां जो होती है वो कांटो के रूप में रूपांतरित हो जाती है बिल्कुल सही है ओके इसके बाद देखिए कह रहा है कि तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है नागफनी के तने को देखेंगे तो तना क्या हो जाता है तना जो होता है साथियों ये रसदार होता है ठीक है तने पर एक मोटी परत होती है ये भी सही है अब कह रहा है जड़े सतह के समीप होती है नहीं नागफनी जो होता है नागफनी की जड़े जो होती है ये जमीन में क्या होती है काफी गहराई में जाती है ध्यान ध्यान में रखा कीजिए इसकी जड़े जो होती है वो जमीन में काफी गहराई में जाती हैं ऊपरी सतह में नहीं होती है क्योंकि पानी की खोज के लिए इसकी जड़े जो होती है भूमि में क्या होती है अधिक गहराई कैक्टस क्या होता है कैक्टस का मतलब नागफनी नागफनी का पौधा नहीं देखे हो वाला कैक्टस का मतलब नागफनी होता है मेरे भाई तो यहां पर क्या हो गया कि सी जो है वो सही है डी जो है वो गड़बड़ है डी जो है वो गड़बड़ है तो इसमें हमसे पूछा गया है कि सही समुच्चय क्या है तो ए बी और सी जो है वो सही है यानी कि इसका फर्स्ट या ए उत्तर जो हुआ साथियों क्या हुआ आपके पास सही उत्तर हुआ सही उत्तर क्या हो गया ए हो गया अगले सवाल की तरफ चलता हूं अगला सवाल देखें अगला सवाल आपसे कह रहा है साथियों कि कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है कोई तत्व है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है सबसे पहले ध्यान में रखिएगा लाल लिटमस को नीला कर रहा हुआ है मतलब कि उसका नेचर कैसा होगा क्षारिय होगा यह बात आप लोग दिमाग में ढाल लीजिए कि नेचर कैसा होगा अल्कलाइन होगा या बेसिक होगा अल्कलाइन और बेसिक हो सकेगा नेचर अब इस विलियन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है यह तत्व कौन सा है कैल्शियम है कार्बन है सल्फर है और मैग्नीशियम है सबसे पहले देखिए कि इसकी प्रकृति कैसी है इसकी प्रकृति क्षारिय है तो क्षारिय प्रकृति किसकी होती है धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं साथियों धात्विक ऑक्साइड की मेटेलिक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है छारिय होती है याद रखिएगा मेटेलिक ऑक्साइड जो होती हैं ये मेटेलिक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है छारिय होती है तो सबसे पहले इसमें से निकालिए कि मेटेलिक ऑक्साइड मेटल कौन कौन से हैं कार्बन और सल्फर को वैसे ही कैंसिल कर दीजिए अब बचा कैल्शियम और मैग्नीशियम लेकिन यहां पर यह अभी बात कहा गया हुआ है साथियों कि इस विलियन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने में उपयोग किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के परीक्षण में किसका करते हैं उपयोग कैल्सियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं सी एओ एच होल कैल्सियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं यानी कौन सा हुआ कैल्शियम जो हुआ यहां पर राइट आंसर हुआ सल्फर कैसे हो जाएगा रे सल्फर कैसे हो जाएगा कैल्शियम जो हुआ यहाँ पर राइट हुआ आपको दो दो चीज दिया गया है कि जल में घुलनशील यार चूने को अगर आप लोग जल में मिलाते हो बंधु कैसे गलती कर रहे हो चूने को जल में मिलाते हो तो जल उबलने लगता है और उसके बाद जल जब ठंडा होता है तो नीचे व्हाइट नीचे सफेद कलर का बन बन जाता है, बन जाता है, है, और वह अवक्षेप किसका होता है बंधु कैल्सियम हाइड्रोक्साइड का होता है और चूने के पानी का रंग दुधिया हो गया चूने के पानी का रंग दुधिया हो गया दुधिया रंग होना किस गैस की एबिलिटी को बताता है दुधिया रंग जो होता है मिल्की कलर जो होता है यह किसके विषय में बताता है कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में ही तो बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का रंग का चूने के पानी का रंग दुधिया हो गया मतलब क्या है बाबू कैल्शियम है बिना किसी लाग लपेट के सीधा सीधा है ओके अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल देखिए यहां पर दिया गया है शरीर की कई गतियां जोड़ों की गति से जुड़ी होती है स्तंभ एक में दी गई शरीर की गति को स्तंभ बी में दिए गए गति के उत्तरदायी जोड़ों के प्रकार से मिलान करें ठीक है ये जो दिया गया हुआ है एक तरफ आपको कुछ एक्टिविटीज दी गई हुई है और दूसरे तरफ क्या दी गई हुई है साथियों दूसरे तरफ जो है आपके पास ज्वाइंट्स का नाम दिया गया हुआ है ठीक है ज्वाइंट्स का नाम दिया गया हुआ है और इनसे इसको क्या करना है मैच करना है और मैच करके आपको बताना है कि राइट आंसर इसमें से कौन सा है ठीक है इसका अंग्रेजी वर्जन भी हम लोग देख लेते हैं कि जिससे कि हमारे पास क्या हो थोड़ा और आसानी हो क्योंकि हिंदी वर्जन में थोड़े से नाम जब एस्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं तो थोड़े से नाम क्या होते हैं जीवो गरीब लगते हैं आइए अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बॉलिंग अ क्रिकेट बॉल एक क्रिकेट की गेंद को फेंक रहे हो तो क्रिकेट की गेंद को फेंकने के लिए हाथ का उपयोग कर रहे हो कंधे का उपयोग कर रहे हो कंधे में कौन सा ज्वाइंट होता है बाबू कंधे में कौन सा होता है तो कहोगे कि सर बॉल और सॉकेट ज्वाइंट होता है कंधे में तो कंधे में कौन सा हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स हो गया यानी पहले का कैसा हो गया चौथा हो गया टर्निंग द हेड इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन भैया टर्निंग द लेफ्ट अब अब आप, आपका देखिए हेड है, है अब मैंने आपसे पूछा आपने खाना खाया आपने कहा जी सर मैंने कहा खाना नहीं खाया आपने कहा नहीं मतलब यह क्या हो रहा हुआ है यह कीलक संधि है पाइपोटल संधि है एक अक्ष के परिता घूम रही हुई है यानी यह या कैसी हो रही है गर्दन को जुम घुमा गु, रहे हैं कीलक संधि पाइपोटल संधि हो रही है तो पहला हो गया ठीक है तो ये क्या हो गया पहला हो गया एल्बो का मूवमेंट ठीक है कोहनी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है ये एक ही साइड घूमता है दूसरी साइड नहीं जाता है तो दरवाजे की भांति है कब्जा संधि है हिंज ज्वाइंट्स है कौन सा है बाबू हिंज जॉइंट्स है तो कौन सा हो गया सेकेंड हो गया और अपर जॉ जौ जौ की बात करेंगे या खोपड़ी की बात करेंगे इसकी जो हड्डियां होती है ये कैसी होती है ये फिक्स्ड होती है याद रखा कीजिए आपकी जो खोपड़ी है आपका जो स्कल है ये आठ बोन से मिलकर बना हुआ है उसी तरीके से आपके दांत आपके जबड़े के अंदर है तो फिक्स है इसमें मूवमेंट नहीं होता है तो ये कैसा होता है फिक्स ज्वाइंट हो जाता है तो कौन सा हो गया थर्ड हो गया चार एक दो तीन चार एक दो तीन कौन सा बन रहा है ए ऑप्शन बन रहा हुआ है कौन सा बन रहा हुआ है ए ऑप्शन बन रहा हुआ है हिंदी माध्यम के साथ ही भी मैच कर लेंगे ए ऑप्शन जो है यह बन रहा हुआ है कौन सा बन रहा हुआ है ए ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन बन रहा है हिंदी में भी दिखा दे रहा हूं देख लो क्रिकेट की गेंद को भेलना क्या है कंदूक खलिका संधि है कंदूक खलिका संधि है सिर को बाई या दाई दिशा में घुमाना इसको धुराग या कीलक संधि बोलते हैं बच्चों कोहनी की गति कैसी होती है कोर संधि है या कब्जा संधि है हिंज जॉइंट्स है और हंसते हुए ऊपरे जबड़े की गति कैसी है अचल संधि है फिक्स्ड है तो ए ऑप्शन जो है ये सही लग रहा हुआ है आपके पास यहां पर सही ऑप्शन है आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं अब देखिए एक व्यक्ति में अवरुद्ध विकास चेहरे पर सूजन बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखे तो यह निम्न के कमी के कारण हो सकता है आपको कुछ लक्षण बताए गए हुए हैं और उस लक्षणों के आधार पर आपको बताना है कि यह किस चीज की कमी को दर्शा रहा हुआ है वशा की कमी है बच्चे प्रोटीन की कमी है कार्बोहाइड्रेट की कमी है या फिर खनिज की कमी है देखो प्रोटीन की कमी जो होती है तो प्रोटीन की कमी के चलते आपको जो होता है सूजन देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा सूजन देखने को मिलेगा प्रोटीन की कमी से यकृत की चर्बी देखने को मिलेगी यकृत की चर्बी देखने को मिलेगी साथियों यकृत पे चर्बी आ जाती है अगर प्रोटीन की कमी होगी तो त्वचा तो अच्छा का क्या होगा पतन होगा त्वचा तो अच्छा का क्या होगा पतन होगा त्वचा तो अच्छा का पतन होगा बाल जो होंगे वो बदरंग होंगे बाल जो होंगे वो बदरंग होंगे वहीं पर अगर कहोगे कि सर वशा की कमी होगी तो क्या होगी तो त्वचा जो होगी वो शुष्क होगी साथियों शुष्क होगी, चकते होंगे चकते रेशेश बनने शुरू हो जाएंगे अगर वशा की कमी हो जाएगी तो और क्या हो जाएगा गंजापन देखने को मिलेगा गंजापन देखने को मिलेगा साथियों अगर वशा की कमी होगी तो ठीक है प्रतिरक्षा प्रणाली कैसी हो जाएगी कमजोर हो जाएगी कमजोर इम्यूनिस्ट सिस्टम हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाएगी ठीक है यह वशा की कमी से होगी अब कहोगे कि सर अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो क्या होगा सिरदर्द होगा कमजोरी होगी सांसों के अंदर दुर्गंध आएगी तो यहाँ पर जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं कि सूजन भी है चेहरे पर सूजन है बाल बदरंग हो रहे हैं विकास अवरुद्ध हो रहा है त्वचा की बीमारी दिखाई दे रही है तो यह सब किसमें है प्रोटीन की कमी में है यानी कि व्यक्ति विशेष में हम लोग कह सकते हैं कि किसकी कमी है फ्रेंड्स प्रोटीन की कमी है सो द राइट आंसर इज प्रोटीन गो फॉर नेक्स्ट वन अगले सवाल के तरफ चलते हैं यहां पर आपको क्या दिया गया हुआ है एक तरफ कुछ जीव दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके प्रजनन की विधियां दी गई हुई है उनके अंदर जनन की विधिया दी गई हुई है और आपको बताना है मैच करना है ठीक है डेहेलिया कैक्टस जनन शरीर के भाग का अलग होना और जड़ों के द्वारा ठीक है अब यहां पर इसका इंग्लिश वर्जन भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट जिससे कि हम लोग इसको मैच कर सके कि कौन से जीव में किस तरह का रिप्रोडक्शन मेथड जो होता है आपको देखने को मिलता है ठीक है अब यहां पर बात करें शेवाल शेवाल जो होता है शेवाल के अंतर्गत किस तरह का प्रजनन मेथड आपको देखने को मिलता है तो शेवाल जो होता है इसके अंदर विखंडन देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है यानी कि सेकंड हो गया साथियों अब अगर आप बात करेंगे कि फंगी फंगी के अंदर क्या होता है जनन जनन प्रक्रिया होती है के अंदर को क्या बोलते हैं फॉर्मेशन बोलते हैं यानी कि पहला हो रहा है डहेलिया के अंतर्गत बात कीजिएगा ठीक है डहेलिया के अंतर्गत बात कीजिएगा तो इसमें क्या देखने को मिलता है डहेलिया के अंतर्गत अगर बात कीजिएगा तो इसमें आपको जो हो जाता है एक मिनट इसको हम लोग हाँ डहेलिया के अंतर्गत बात करते हैं तो जड़ों के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है जड़ों के द्वारा होता है तो चौथा हो गया बाई रूट हो गया और कैक्टस के अंदर जो होता है वो क्या हो जाता है शरीर का भाग जो होता है डिटेच हो जाता है विलगन हो जाता है अलग होकर कैक्टस के अंदर बनाता है यानी कि थर्ड हो गया तो कौन सा चल रहा है चल रहा है सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड कौन से ऑप्शन में आ रहा है चौथे विकल्प में आ रहा है चौथे विकल्प में आ रहा है एक बार हिंदी में भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं चौथे विकल्प में आ रहा हुआ है ए का सेकंड यानी कि सेवाल जो होता है इसमें विखंडन प्रक्रिया के द्वारा यह आगे बढ़ता है अपने जैसे नए सेवाल पैदा करता है फुफुंद के अंदर बात कीजिएगा तो बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है स्पोर फॉर्मेशन की होती है डहेलिया के अंदर बात जिएगा ठीक है डहेलिया के अंदर बात कीजिएगा तो जड़ों के द्वारा होता है और कैक्टस जो होता है शरीर के भाग अलग होते हैं विलगन प्रक्रिया के द्वारा देखने को मिलता है यानी यहां पर जो है साथियों फोर्थ ऑप्शंस जो है ये क्या है आपके पास सही है गो फॉर नेक्स्ट वन अगले सवाल की तरफ चलते हैं नीचे कुछ पदार्थ एवं प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधिया दी गई है सही उत्तर का मिलान कीजिए एक तरफ पदार्थ दिए हुए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ध्यान में ये रखा कीजिए सीटेट के अंदर प्रीवियस इन क्वेश्चंस को लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं एज इट इज आपको देखने को मिलते हैं साथियों ठीक है अब यहां पर आते हैं सोडियम धातु को किस में रखते हैं अरे भैया सोडियम जो है यह क्या हो जाती है बहुत क्रियाशील धातु होती है तो इसको हम लोग किस में रखते हैं कैरोसिन ऑयल में रखते हैं ये तो आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि सोडियम धातु को कहां पर रखते हैं कैरोसिन ऑयल में रखते हैं तो सोडियम धातु को भेज दीजिए कैरोसिन ऑयल में मिट्टी के तेल में तो चौथा हो गया चौथा हो गया फास्फोरस जो होता है फास्फोरस को जल में रखा जाता है किसमें रखा जाता है जल में रखा जाता है ठीक है पारा जो होता है मरकरी जो होता है थर्मामीटर किसमें होता है भैया कांच में होता है तो कांच हो गया तो चार हो गया तीन हो गया तो ये क्या हो जाएगा यह दो हो जाएगा प्लास्टिक की सीसी में रखा जाता है यानी क्या हो गया चार तीन दो एक चेक कीजिए चार तीन दो एक कौन सा ऑप्शन बन रहा है सेकंड ऑप्शन बन रहा हुआ है कौन सा ऑप्शन बन रहा हुआ है साथियों सेकंड ऑप्शन बन रहा हुआ है इसको जो साथी थोड़ी सी अंग्रेजी मीडियम में देखना चाहते हैं फटाफट अंग्रेजी मीडियम में इसको देख लीजिए चूंकि क्वेश्चन बड़ा हुआ है तो एक पृष्ठ पर दोनों को रखना संभव नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा हालांकि मैं दोनों में आप लोगों को बता रहा हूं तो सेकंड ऑप्शन हमें मिला कि सोडियम मेटल को हम लोग रखते हैं कैरोसिन ऑयल में फास्फोरस को हम लोग रखते हैं अंडर द वाटर रखते हैं ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स को प्लास्टिक बॉटल के अंदर रखते हैं और मरकरी पारा को हम लोग रखते हैं ग्लास बॉटल में तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर गो फॉर नेक्स्ट वन आगे देखें और अगले सवाल का उत्तर करें ठीक है ने एक मैराथन में भाग लिया यद्यपि वह नियमित रूप से सैर नहीं करता है तेज दौड़ने से उसकी टांगों में ऐठन हो गई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूट गया एक गर्म जल ऊष्मक में पैर रखने से उसकी इस अवस्था में सुधार हुआ क्योंकि बी पूर्णतः सी तथा डी में टूट गया तो डी क्या है खास करके मैं चाहूंगा कि जो एप्लीकेशन के बच्चे हैं एप्लीकेशन के अगर कोई साथी हैं, तो आप लोगों को मैं रेस्पिरेशन पढ़ा चुका हूं तो वहां से आप लोग इसका उत्तर तलाशने की कोशिश कीजिए फटाफट फड़। और मुझे इसका उत्तर चाहिए ठीक है अगर एप्लीकेशन के कोई साथी यहाँ यूट्यूब के सेशन में अवेलेबल है तो सबसे पहले क्या देखिए कि मैराथन में भाग लिया वह नियमित रूप से सैर नहीं करता है तेज दौड़ने से उसकी टांगों में एठन हो गई इसका मतलब टांगों में क्या हुआ अवायवीय श्वसन हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन होने के बाद मांसपेशियों में क्या बनता है लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड के चलते क्या होता है क्रैम्प आ जाता है ऐठन आ जाता है कह रहा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूटा तो सबसे पहले आ, क्या टूटता है ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज टूटता है ठीक है तो ए आंशिक रूप से किस में टूटा साथियों ए आंशिक रूप से बी में टूट गया ठीक है ए आंशिक रूप से बी में टूट गया और उसके बाद क्या रहा हुआ है कि एक गर्म जल ऊष्मक में पैर गर्म पानी में रखा गया तो उसकी इस अवस्था में क्या हुआ सुधार देखने को मिला तो क्या हुआ इसका मतलब क्या है कि ए टूटा तो ग्लूकोज टूटता है ग्लूकोज टूटता है और मांसपेशियों में खिंचाव हुआ है तो क्या बना है लैक्टिक अम्ल बना हुआ है लैक्टिक अम्ल बना हुआ है साथियों अब गर्म जल उष्मक में पैर रखेंगे तो क्या हो जाएगा बी यानी कि लैक्टिक अम्ल टूटेगा और क्या बनाएगा सी और डी में बनाएगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटेगा लैक्टिक एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटेगा सही ऑप्शन क्या चल रहा है थर्ड ऑप्शन जो है यहां पर चल रहा है क्योंकि आपको पता है कि जब अवायवीय श्वसन होता है तो अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु टूटता है और पायरूविक अम्ल के दो अणु बनाता है और पायरूविक अम्ल के दो अणु टूटते हैं तो क्या बनाते हैं लैक्टिक अम्ल बनाते हैं और ऊर्जा के मात्र दो अणु प्राप्त होते हैं अवायवीय श्वसन में वहीं पर अगर वायवीय श्वसन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज का एक अणु टूटकर एटीपी के थर्टी एट मॉलिक्यूल्स बनाता है सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर गो फॉर नेक्स्ट वन अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल आपसे क्या रहा हुआ है निम्न में कौन सा उन मानव रोगों का समुच है जो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं ठीक है वायरस से होने वाले रोगों का समुच्च बताना है बच्चे वायरस से होने वाले तो वायरस से होने वाले रोगों के लिए याद रखा कीजिए इतना लोड क्यों लेना है सीधे याद रखा कीजिए कि रेखा हमें हिट करके रेखा हमें हिट करके पोचे पोइचे का मतलब क्या हुआ पीछे पोचे छोड़ गई पोचे पोचे मतलब क्या हो गया पीछे पीछे छोड़ गई रेखा हमें हिट करके पोयचे छोड़ गई लीजिए वायरस सारा का सारा आपका तैयार है वायरस अब रेखा का रे है तो रे से बना लेंगे रेबीज रेबीज बना लेंगे जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है क्या कहा जाता है हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है अब आ जाइए आप लोग खा तो खा से बन जाएगा खसरा बन जाएगा क्या बन जाएगा खसरा बन जाएगा मीजल्स बन जाएगा हमें का ह से बन जाएगा हरपिस बन जाएगा क्या बन जाएगा हरपिस बन जाएगा मे से क्या बन जाएगा मे से मेनिंजाइटिस बन जाएगा मस्तिष्क ज्वर या ब्रेन फीवर भी जिसको कहते हैं मेनिंजाइटिस बन जाएगा साथियों क्या बन गया मेनिंजाइटिस बन गया इसके बाद देखिए हिट तो हिट का ही से हिपेटाइटिस क्या बन गया हिपेटाइटिस या हेपेटाइटिस Hepatitis बन गया हेपेटाइटिस ए बी सी सब होता है वायरस के चलते ट तो से क्या बन गया ट तो से ट्रेकोमा बन गया ट्रेकोमा रोग बन गया ठीक है बाबू ट्रेकोमा बन गया अब है करके तो करके से क्या बना लेंगे करके से बना लेंगे कोरोना करके से बना लेंगे कोरोना कोरोना रोग भी क्या होता है वायरस के द्वारा होता है आप सबको पता है अब देखिए पोएचे है पोएचे का जो पो है पोएचे के पो से हम लोग बना लेंगे पोलियो क्या बना लेंगे पोलियो तो पोलियो भी जो होता है ये वायरस से होने वाला रोग है ए से क्या बना लेंगे साथियों एड्स बना लेंगे तो एड्स भी वायरस से होने वाला रोग है चे से क्या बना लेंगे चेचक बना लेंगे चिकन पॉक्स बना लेंगे तो यह भी क्या है वायरस से होने वाला रोग है छो से छोटी माता बना लेंगे स्मॉल पॉक्स बना लेंगे तो यह भी क्या है साथियों वायरस से होने वाला रोग है ड से डेंगू बना लेंगे डेंगू ज्वर यह भी वायरस से होता है अरबो वायरस के कारण ग से बना लेंगे गलसुआ ग से क्या बना लेंगे गलसुआ जिसको बहुत सारे क्षेत्र में आप लोग कनपेड़ के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में मप्स कहते हैं जिसको गलसुआ को और ई से बन जाएगा साथियों इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू के नाम से भी जानते हैं इन्फ्लुएंजा तो देखिए तो सारे के सारे वायरस से होने वाली बीमारियां आपको पता चल गई बस आपको याद क्या रखना है रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई अब निकाल लीजिए कि इसमें कौन सा वायरस वाला है भैया छह रोग टीबी बैक्टीरिया से होता है ये तो होगा नहीं हेपेटाइटिस वायरस से होता है खसरा वायरस से होता है पोलियो वायरस से होता है चेचक वायरस से होता है यानी ऑप्शन जो है है, वो सही है, हैजा नहीं होगा बैक्टीरिया से होता है यहां भी हैजा है नहीं होगा बैक्टीरिया से होता है सो so सेकेंड यानी कि बी ऑप्शन माय फ्रेंड यहां पर सही है अगले बार से याद रहे रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई गड़बड़ नहीं होना चाहिए ओके अगले सवाल की तरफ लेके चलता हूं अगला सवाल देखिए यहां फिर से मैच द कॉलम से यह सवाल है एक तरफ क्या रहा है कि पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके उपयोग नीचे स्तंभ ए और बी में क्रमशः दिए गए हैं एक सही मिलान समुच्चय का चुनाव कीजिए कोक दिया हुआ है कोलतार दिया हुआ है कोल गैस दिया हुआ है और बिटुमिन दिया गया है यहां पर उपयोग दिए गए हुए हैं साथियों और आपसे पूछ रहा है कि किसका उपयोग कहां पर किया जाता है तो कोक कोक में आपको पता होगा कि कोक में धुआं जो होता है वह बहुत कम निकलता है इसीलिए इसका उपयोग स्टील बनाने में करते हैं इस्पात बनाने में करते हैं तो कोक का उपयोग कहां पर हो जाएगा स्टील बनाने में हो जाएगा तो पहला का क्या हो गया चौथे के साथ मैच कर रहा हुआ है इसके बाद आइए कोल तार कोल तार जो होता है इसका उपयोग हम लोग परफ्यूम बनाने में करते हैं विस्फोटक सामग्री बनाने में करते हैं खुशबूदार सब्सटेंस बनाने में करते हैं तो कोल तार के लिए देखिए खुशबू और इत्र कहां दिया हुआ है बच्चे तो खुशबू और इत्र दिया हुआ है पहले ऑप्शन में तो पहला ऑप्शन इसके लिए सही जा रहा हुआ है कोल गैस के लिए बात करें तो कोल गैस जो होगा कोल गैस का उपयोग कहां पर करते हैं कोल गैस जो होता है एज अ फ्यूल उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है बालकों तो ईंधन कहां दिया हुआ है उद्योगों में ईंधन के रूप में तो दूसरा हो गया मतलब बच क्या गया बिटुमिन बच गया तो सड़क पर परत बिछाने के लिए देखे हो ना अलक्रा के रूप में देखते हो ना तारकोल के रूप में सड़क पर परत बिछाते हैं तो वहां पर उपयोग किया जाता है यानी कि थर्ड हो गया तो अब चेक कर लो फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से ऑप्शन में मिल रहा है फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप लोग कहोगे कि सर एक विकल्प में मिल रहा हुआ है पहले विकल्प में मिल रहा हुआ है सर जो अंग्रेजी माध्यम के साथी हैं वो एक बार सरसरी निगाह मार लेंगे फटाफट -फड़ निगाह मार लेंगे तो यहां पर पहला ऑप्शन जो था सही चल रहा था ठीक है कोक का उपयोग कर रहे हुए थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में ठीक है कोल तार का उपयोग कर रहे थे परफ्यूम और एक्सप्लोसिव बनाने में कोल गैस का उपयोग कर रहे थे एज अ फ्यूल में साथियों ठीक है और बिटुमिनस जो हो रहा था मेटलिंग ऑफ द रोड्स में उपयोग कर रहे हुए थे ठीक है अगले सवाल पर आप लोगों को लेकर चलता हूं निम्न में से कौन सा समुच्चय सही मिलान निरूपित करता है एक तरफ आपको क्या दिया गया है कुछ रेशे दिए गए हुए हैं कुछ फाइबर दिए गए हुए हैं और दूसरी तरफ आपसे बात किया जा रहा है कि वो जो फाइबर है वो फाइबर कहां से प्राप्त होते हैं ठीक है मटेरियल्स टॉपिक है ना आपके सीटेट में साइंस में वहीं से यह सवाल बनाया गया हुआ है ठीक है तो फटाफट फड़ इसका उत्तर ले, ले लेते हैं कि कहां पर इनका उपयोग हमें देखने को मिलता है है उत्पत्ति किसकी किससे होती है। तो देखिए सन जो है ये सन जो होता है या किसके किससे निकाला जाता है सन या पटुआ जिसको कुछ क्षेत्र में बोलते हैं तो यह तने से निकाला जाता है स्टीम से निकाला जाता है पता है ना तना जो होता है गट्ठर बना के पानी वाले जगह पर डाल देते हैं ठीक है गड्ढे में या नदी में डाल देते हैं जब वो सड़ता है तो छाल को निकालते हैं तो तने से निकाल रहे हुए हैं साथियों तो चौथा चला गया कपास जो होता है वह क्या होता है चलिए जिस क्षेत्र में कपास आता है वो सारे साथी मुझे जवाब देंगे फटाफट -फड़ जिनके यहाँ कपास जो होता है वह उत्पादित की जाती है तो आपको पता है कि कपास जो होता है या क्या होता है पुष्प होता है फूल होता है कपास क्या होता है पुष्प होता है यानी कि तीसरा चल रहा हुआ है रेशम जो होता है वह क्या हो जाता है साथियों रेशम जो होता है वह रेशम के कीड़े से निकाला जाता है रेशम के कीड़े की अलग अलग अवस्था होती है उसके लाइफ की जो पहली अवस्था होती है उसको हम लोग बोलते हैं लार्वा इसके बाद किस अवस्था में वह पहुंचता है इसके बाद वह पहुंचता है प्यूपा अवस्था में और जब प्यूपा अवस्था में पहुंचता है तो रेशम का कीट जो लार निकालता है वह वा लार वायु के साथ सूखता चला जाता है धागे के रूप में आता है उस धागे को वह अपने शरीर पर क्या करता है लपेटता चलता है चलता है और उसके बाद जो निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोकून बोलते हैं क्या बोलते हैं बाबू कोकून बोलते हैं इसी कोकून को हम लोग गर्म पानी में डालते हैं रेशम का कीट मर जाता है और उस धागे को निकाल लेते हैं तो कोकून से निकाला जाता है तो कोकून को यहां पर वह क्या कह रहा है क्रीमी कोश कह रहा है यानी कि कोकून हो गया सेकंड हो गया तो बच क्या गया नारियल का रेशा तो नारियल के छिलके से निकाल रहे हुए हैं किससे निकाल रहे हैं नारियल के छिलके से निकाल रहे हैं है। चार तीन दो एक हो रहा है चार तीन दो एक हो रहा है जो कि, कि किस विकल्प में जा रहा हुआ है सेकंड हाँ बहुत बढ़िया सेरी कल्चर में हम लोग इसके विषय में पढ़ते हैं बहुत बढ़िया और सहतूत के पेड़ों पर क्या किया जाता है इसको पाला जाता है बहुत बढ़िया साथी बहुत अच्छे बहुत बढ़िया तो यहां पर हमने क्या देखा सेकंड ऑप्शन हमने देखा सेकंड ऑप्शन देखा कि फ्लैक्स या सन जो हो रहा था स्टीम से निकाला जा रहा था कॉटन जो हो रहा था ये फ्लावर से निकाला जा रहा था सिल्क कोकून से निकाला जा रहा था कोकोनट फाइबर हस्क से निकाला जा रहा हुआ था तो सेकंड ऑप्शन सही हुआ अगले सवाल पर चलू प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए प्लास्टिक के संदर्भ में पूछा जा रहा हुआ है कि कथन का आप लोग चुनाव कीजिए याद रखा कीजिए कि जब प्लास्टिक की आप लोग बात करते हैं तो प्लास्टिक जो होते हैं साथियों हमारे पास दो तरह के हो जाते हैं एक हो जाता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक याद रखिएगा एक होता है थर्मोप्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक होता है और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है साथियों अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है थर्मोप्लास्टिक ऐसा होता है जिसको जितनी बार भी गर्म करेंगे वह मुलायम हो जाएगा और ठंडा करेंगे तो वह कठोर हो जाएगा ठीक है तो जितनी बार मन करे आप इसको गर्म करके मुलायम कर लीजिए और ठंडा करके कठोर कर लीजिए थर्मोप्लास्टिक है लेकिन थर्मोसेटिंग इसका नाम देखिए थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक होता है जिसको पहली बार गर्म करते हैं तो मुलायम हो जाता है और ठंडा करते हैं तो कठोर हो जाता है लेकिन एक बार सेट हो गया ना तो दोबारा इसको आप लोग पिघला के मुलायम नहीं कर सकते हो जैसे कि आपके घरों में इलेक्ट्रिकल स्विच आता है साथियों तो ये इलेक्ट्रिकल स्विच जो होता है वो बैकेलाइट का बना होता है बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है देखिएगा ये स्विच जल जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं इसीलिए स्विच बोर्ड खराब हो जाएगा उसको कबाड़ी के हाथ से बेचने की कोशिश कीजिएगा कबाड़ी भी उसको नहीं खरीदते हैं क्योंकि उसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं तो बैकेलाइट की बात करते हैं मेलामाइन की बात करते हैं ये सारे थर्मो सेटिंग प्लास्टिक में आते हैं लेकिन वहीं पर जब आप पॉलीथीन की बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करते हैं पीवीसी की बात करते हैं ठीक है की बात करते हैं तो ये सारे कैसे होते हैं ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं अब आते हैं ये कह रहा है कि थर्मोप्लास्टिक कैन बी मॉड्यूल्ड अगेन एंड अगेन थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसको बार बार सांचों में ढाले जा सकते हैं ये तो सही है थर्मोप्लास्टिक को कर सकते हैं कह रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेंड बाई हीटिंग स्थितिक प्लास्टिक को गर्म करने पर पिघलाए जा सकते हैं नहीं भैया एक बार सेट हो गया तो नहीं होगा बैकेलाइट ताप सुनमे का उदाहरण है बैकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक बैकेलाइट अभी बताया था इलेक्ट्रिकल स्विच में उपयोग होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक नहीं है तो यह भी गड़बड़ है पॉलिथीन और पीवीसी उष्मा स्थितिक प्लास्टिक के उदाहरण है कह रहा है कि ये थर्मोसेटिंग नहीं पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड को दोबारा हम लोग क्या कर सकते हैं सॉफ्टेनिंग कर सकते हैं तो थर्मोप्लास्टिक में आते हैं यानी चौथा भी गड़बड़ है तो सत्रह का एक जो है साथियों फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है ओके ए इज द राइट आंसर सी डी कैसे कह रहे हो यार सी डी कैसे कह रहे हो बताओ मेरे को डी कैसे हो जाएगा पॉलीथीन जो होता है पॉलीथीन को तो रिसाइकल नहीं कर सकते हो घरों में जो पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन से बनी पुरानी जो आपकी प्लास्टिक की बाल्टी होती है डब्बे होते हैं बोतल होते हैं उसको तो कबाड़ी वाले आपसे खरीद लेते हैं लेकिन स्विच को तो नहीं खरीदते हैं क्योंकि स्विच थर्मोसेटिंग का उदाहरण है यार गड़बड़ कैसे कर रहे हो आप लोग बताओ अब तो, देखिए कह रहा है किसी खरगोश की अगेन एक फिजिक्स से सवाल आ गया देखे किसी खरगोश की अधिकतम गति छप्पन किलोमीटर प्रति घंटा है यदि उसे दो दशमलव पांच किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो वह यह दूरी कितने मिनट में तय करेगा यदि वह जितना तेज हो सके उतना तेज दौड़े ठीक है चलिए फटाफट -फड़ इस सवाल पर आते हैं तो खरगोश की गति कितनी दी हुई है जरा ध्यान दीजिए खरगोश की गति दी हुई है छप्पन किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है खरगोश ने दूरी कितनी तय की है बाबू तो खरगोश ने दूरी तय की हुई है दो दशमलव पांच किलोमीटर की दूरी खरगोश ने तय की है अब कह रहा है कि यह दूरी कितने मिनट में तय करेगा यानी कि समय निकालना है बालक समय निकालना है आपको तो समय बराबर क्या हो जाएगा गति या चाल बटा जो हो जाएगा या क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगा समय की बात अगर आप करेंगे तो यह क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगा बाबू दूरी आपके पास खरगोश ने कितनी कवर की हुई थी दो दशमलव पांच किलोमीटर की इसकी चाल कितनी है छप्पन किलोमीटर प्रति घंटा अब इसको डिवाइड कीजिए दो दशमलव पांच को डिवाइड कीजिए छप्पन से तो यह लगभग कितना आ जाएगा यह आपके पास जीरो पॉइंट जीरो चार चार ठीक है जीरो दशमलव जीरो चार चार आप सॉल्व कीजिए इसको लगभग इतना घंटा आ जाएगा लेकिन यहां ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए कि यह मिनट में निकालना है तो एक घंटे में कितने होते हैं बच्चे साठ मिनट होते हैं तो अब आप इस डाटा को साठ से गुना कीजिए तो जीरो दशमलव जीरो चार चार गुने साठ तो लगभग कितना आएगा दो दशमलव छ चार मिनट के आसपास आएगा कितना आएगा दो दशमलव छह चार मिनट के आसपास आएगा अब दो दशमलव छ चार मिनट के आसपास का डेटा कौन सा है भाई पॉइंट फाइव से बड़ा होता है तो आगे की वैल्यू को कंसीडर करते हैं मतलब आप क्या कहेंगे कि सर तीन मिनट के आसपास का जो होगा यह समय लेगा कितने का समय लेगा तीन मिनट के आसपास का समय लेगा ए ऑप्शन बहुत बढ़िया ए इज द राइट आंसर गो नेक्स्ट वन अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल देखिए कह रहा एलिशा बुखार से पीड़ित है क्या है भाई एलिशा को बुखार हो गया हुआ है उसकी सहेली से उसका ताप रोग ताप मापी से देखा गया और वह 101 डिग्री सेल्सियस और दाई और दो भाग अधिक है ठीक है दाई और दो भाग अधिक है कह रहा दो बड़ी रेखाओं के बीच पांच भाग होता है तो उसके शरीर का तापमान क्या है जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में हमारे शरीर का तापमान कितना होता है सैतीस डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर फारेनहाइट हाइट में बात करते हैं तो अंठानवे दशमलव डिग्री फॉरन हाइट के आसपास होता है और कैलविन में बात करते हैं तो तीन एक पांच कैलवीन के आसपास ये क्या हो जाता है ये शरीर का सामान्य तापमान होता है आप ध्यान में रखिएगा विद्यार्थियों शरीर का सामान्य तापमान हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है आपकी बॉडी का अब ये क्या कह रहा हुआ ये कह रहा हुआ है कि 101 डिग्री सेल्सियस है चलिए यह तो क्लियर हो गया लेकिन इसके बाद क्या रहा हुआ है कि और दो, भाग अधिक है। अब और दो भाग में चल रहे हैं तो कह रहा है दो बड़ी रेखाओं के बीच कितना है भैया दो बड़ी रेखाओं के बीच पांच भाग है दो बड़ी रेखाओं के बीच कितना हो गया पांच भाग हो गया यानी एक भाग कितने के बराबर हो जाएगा एक भाग जो होगा पांच भाग हुआ तो एक भाग कितना होगा जीरो पॉइंट दो डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा पांच भाग है तो एक भाग कितना हो जाएगा जीरो दशमलव दो डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा अब यहां देखिए दाई और कितने भाग गई है दो भाग गई है तो इसको दो से गुना किया तो जीरो दशमलव चार डिग्री सेल्सियस हो गया अब पहले से कितना था एक सौ एक डिग्री सेल्सियस था प्लस में जीरो दशमलव चार डिग्री सेल्सियस तो कितना हो गया एक सौ एक दशमलव चार डिग्री सेल्सियस एलिसा का बुखार हो गया एलिसा का बुखार कितना हो गया एक सौ एक दशमलव चार डिग्री सेल्सियस यानी कि ए जो है वो राइट आंसर है यानी कि फर्स्ट जो है ये हमारे पास राइट right आंसर है माय फ्रेंड गो फॉर नेक्स्ट वन अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि तरंगे गति नहीं कर सकती है अभी अभी बाबू हमने एक इस तरह का सवाल बनाया था कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है बिना माध्यम के ध्वनि ध्वनि नहीं चल सकती है तो है मतलब द्वani, तो मतलब कि माध्यम तो ध्वनि किसमें चलती है सबसे ज्यादा ठोस में ध्वनि की चाल होती है सॉलिड में फिर किसमें होती है द्रव में होती है और फिर किसमें होती है साथियों गैस में होती है आपको पता होना चाहिए तो ध्वनि किसमें नहीं चलती है निर्वात में वैक्ति वैक्यूम में ध्वनि नहीं चलती है क्योंकि निर्वात कोई माध्यम ही नहीं है खाली है तो ध्वनि तरंगे किसमें गति नहीं कर पाएंगी निर्वात में ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाएंगी ठीक है माध्यम चाहिए हमें पास हमारे को क्या चाहिए हमारे को माध्यम चाहिए बिना मीडियम के साउंड चलेगी नहीं सबसे ज्यादा ठोस में साउंड की जोती जो है साउंड और लाइट जो है एक दूसरे के उल्टे हैं साउंड और लाइट एक दूसरे के उल्टे हैं माध्यम जितना सघन होता है उसमें ध्वनि की चाल उतनी अधिक होती है और प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है माध्यम जितना विरल होता है उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही कम होती है और प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होती है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है ध्वनि एक अनुदर्ध्य तरंग है लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं एक को ध्यान रखिएगा दूसरा अपने आप हो जाएगा बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए आइए कथन को पढ़ते हैं साथियों कथन कह रहा है कि चंद्रमा का एक ही मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख रहता है कह रहा है चंद्रमा का एक ही मुख जो होता है पृथ्वी के तरफ रहता है कारण कह रहा है पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमण करने के साथ ही चंद्रमा अपनी धूरी पर एक घूर्णन पूरा करता है अब कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है ए सही है लेकिन आर गलत है आर सही है लेकिन ए गलत है तो फटाफट इसके उत्तर हम लोग पहुंचते हैं ठीक है चलिए तो फटाफट इसको हम लोग पहुंचते हैं साथियों अब यहां पर देखिए आपको पता है कि चंद्रमा क्या है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है ठीक है तो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह हैं जो सैटेलाइट है अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो चंद्रमा को आपको पता होना चाहिएगा कि पृथ्वी का परिक्रमण करने में कितना समय लगता है तो चंद्रमा को पृथ्वी का परिक्रमण करने में सत्ताईस दशमलव तीन दो दो सत्ताइस दशमलव तीन दो दो दिन लगते हैं और चंद्रमा को अपने अक्ष पर परित करने पर अपने ही अक्ष पर परिक्रमा करने पर कितना लगता है लगभग सत्ताईस तो दोनों के दोनों डाटा जो हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं तो इसीलिए हम लोग अगर देखते हैं तो हमें चंद्रमा स्थिर दिखाई देता है क्योंकि लो दोनों के दोनों जो हो रहे हैं कितने हो रहे हैं सत्ताईस सत्ताईस दिन हो रहे हैं तो चंद्रमा का एक ही मुख जो होता है हमारे सम्मुख होता है तो कह रहा है कि चंद्रमा का एक ही मुख सदैव पृथ्वी की ओर सम्मुख रहता है बिल्कुल सही है और पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा करने के साथ ही चंद्रमा अपनी दूरी पर भी एक घूर्णन करता है सत्ताईस सत्ताईस दिन दोनों है तो मामला यह भी सही है यानी ए और आर दोनों सही है। और आर ए की क्या कर रहा है सही व्याख्या भी कर रहा हुआ है सही व्याख्या भी कर रहा हुआ है यानी कि पहला ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है हाँ सत्ताईस दशमलव तीन दो दो ये याद रखिएगा ओके गो फॉर नेक्स्ट वन अगले सवाल के तरफ चलते हैं साथियों अगले सवाल के तरफ चलते हैं मकरंद को मधु और शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है देखिए आपको पता है कि जो मधु मक्खियां जो होती है जो हनी बीज होती है वो हनी बीज क्या करती है फ्लावर नेक्टर से ठीक है फ्लावर नेक्टर से अः मधु या शहद को क्या करती है कलेक्ट करती है लेकिन शुरुआती स्तर पर क्या हो जाता है वह मकरंद होता है वह मकरंद होता है फिर मधु क्या करती है अपने लार को उसमें मिलाती है तो जो मकरंद होता है ठीक है जो मकरंद होता है ध्यान में रखा कीजिएगा साथियों जो फ्लावर नेक्टर से निकाल रहे हैं इसमें 70 से 80 प्रतिशत तक क्या होता है जल होता है लेकिन जब हनी बीज उसके अंदर अपने सलाइवा को सेक्रेट करती हैं तो वो जो शहद होता है साथियों वो ज्यादा विस्कस होना शुरू हो जाता है ज्यादा शयान होना शुरू हो जाता है ज्यादा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है यानी वाटर क्वांटिटी जो है हो रही है वो वाटर क्वांटिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी वाटर क्वांटिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी देखिए बहुत सारे साथी भी इसका सही उत्तर घट जाती है अरे यार एक बात मुझे बताओ ना जब जल होगा तो क्या होगा ज्यादा जल होगा तो पतला होगा शहद कैसा होता है गाढ़ा होता है मोटा होता है जल की अपेक्षा मोटा होता है लिखा तो सयान और गाढ़ा होता है तो सलाइवा को जब सेक्रेट्स करती है तो क्या हो जाता है मोटा हो जाता है ना गाढ़ा हो जाएगा ज्यादा विस्कस हो जाएगा यानी कि इसने पूछा हुआ है कि पानी की मात्रा में क्या जाती है तो जो पानी सत्तर से अस्सी था उसकी मात्रा कम हो गई गाढ़ा हो गया यानी कि यह क्या हो जाती है घट जाती है इट इज रिड्यूस सो सेकेंड ऑप्शन माई फ्रेंड यहां पर क्या है सही है ए ऑप्शन कैसे कह रहे हो और पतला कर दोगे क्या फ्लावर नेक्टर से जब निकाला हुआ है उसके बाद उसमें सेलीवेट भी तो करती हैं ओके अगले सवाल पर चलो मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवों से होने वाले छह से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है मछलियों को देखो मछलियों के शरीर को देखो अब कह रहा कि मछलियों के शरीर पर कौन सी ऐसी चीज है कौन सी ऐसी लेयर है जिसके द्वारा क्या हो जाता है कि सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं उनकी रक्षा होती है कह रहा कि सल्क स्केल्स होते है कि म्यूकस लेयर के द्वारा होता है या फीन्स के द्वारा होता है या ब्लबर के द्वारा होता है चर्बी के द्वारा सूक्ष्म जीवों से रक्षा होती है या मीन पक्ष या शल्क के द्वारा ध्यान में रखा कीजिएगा मछलियों को देखिएगा उनके शल्क तो होते ही है लेकिन ध्यान में रखा कीजिएगा उनके ऊपर एक चिपचिपा एक चिपचिपा म्यूकस जैसे लेयर की क्या हो जाती है म्यूकस जैसे पदार्थ की श्लेष्म जैसे पदार्थ की लेयर होती है तो ये पार्टिकुलरली जो होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करती है इनकी रक्षा करती है यहां पर यह विकल्प कहां पर दिया गया है म्यूकस लेयर जो है ये सेकंड ऑप्शन में दिया गया हुआ है सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर माय फ्रेंड गो फॉर नेक्स्ट वन अगले सवाल की तरफ चलते हैं यहां पर देखिए यह कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए तो पढ़ते हैं कथनों को पहला कथन कह रहा हुआ है अभी कथन कह रहा है कि शेर घास नहीं खाता है अच्छा जी कारण कह रहा हुआ है कि बहुत से पशु सेल्यूलोस का पाचन नहीं कर पाते हैं यह चीज ध्यान में रखा कीजिएगा आप सभी के सभी के मित्र कि सेल्यूलोस का पाचन हम भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि सेल्यूलोस जो होता है साथियों सेल्यूलोस के पाचन के लिए आप ध्यान में रखिएगा सेल्यूलोस के पाचन के लिए सेल्यूलेस एंजाइम की जरूरत होती है सेल्यूलेस एंजाइम की जरूरत होती है और ये जो सेल्यू एंजाइम होता है ये जीवों में नहीं पाया जाता है शाकाहारी जीवों में पाया जाता है जैसे गाय वगैरह के बारे में बात करेंगे तो उनका जो स्टमक होता है चार भागों में डिवाइडेड होता है तो उसका पहला भाग क्या होता है रूमेन कहलाता है शाकाहारी जीवों के अमाशय का जो पहला भाग होता है वो रुमेन कहलाता है और रुमेन में क्या हो जाता है सैल्यूलोस का पाचन होता है सेल्युलस का पाचन होता है तो उनमें सेल्युलेस एंजाइम बन रहे हुए हैं लेकिन शेर मांसाहारी है सेल्युलेस एंजाइम नहीं बन रहे हैं तो शेर जो होगा वह घास नहीं खाएगा भूखे मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा तो कथन सही है बहुत से पशु सेल्यूलोस का पाचन नहीं कर पाते हैं जी हाँ साथियों जो मांसाहारी पशु होंगे वो सेल्यूलोस का पाचन नहीं कर पाएंगे इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा हुआ है सो पहला ही विकल्प ए विकल्प जो है यही हमारे पास सही है ए विकल्प ही हमारे पास सही है ठीक है क्यों नहीं स्पष्टीकरण कर रहा है क्यों दे रहे हो मुझे बताओ ये तो साफ साफ कह रहा है ना कि बहुत से पशु सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं भाई जितने भी मांसाहारी पशु हैं वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें सेल्यूलोज एंजाइम नहीं बनेगा जैसे हमारे अंदर भी नहीं बनता है इसीलिए अगर आप लोग देखोगे तो रिम्यूनोकोकस नाम का बैक्टीरिया हमारे आंतों में जाता है हमारे हाथों में पाया जाता है जो क्या करता है सेल्युलस को तोड़कर रेशों में बदल देता है क्योंकि जो होते हैं इसमें से रुक्षान समय प्राप्त होते हैं रगेज प्राप्त होते हैं और ये जो रगेज होते हैं साथियों इससे हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं मिलता है लेकिन हमारे शरीर से अपचित भोजन को बाहर करने में ये क्या करते हैं मदद करते हैं साथियों ओके चलिए तो अगला सवाल देखिए अगला सवाल जो कह रहा है ये कह रहा है कि निम्न में से सरकरा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है क्या रहा हुआ है किसमें ग्लूटेन नामक घटक होता है चावल में गेहूं में रागी में ज्वार में बहुत सारे लोग देखिए जैसे लोग ब्राउन ब्रेड वगैरह का उपयोग करते हैं तो ब्रेड जो होता है या किससे बन रहा हुआ है वीट से बन रहा हुआ है वीट की जब आप बात करते हैं गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है यानी ग्लूटेन की मात्रा पाई जाती है और इस ग्लूटेन की मात्रा के चलते क्या हो जाता है साथियों बहुत लोगों में क्या हो जाती है एलर्जी जो होती है वो एलर्जी देखने को मिलती है यानी यह किस में हो जाता है गेहूं के अंतर्गत हो जाता है किसके अंदर होता है गेहूं के अंदर ग्लूटेन की मात्रा जो होती है यह अधिक होती है साथियों चलिए फटाफट -फड़ दो तीन प्रश्नों को और ले लेते हैं क्या रहा है एक्स एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है निम्न में से कौन सा एक्स हो सकता है ठीक है एक्स के विषय में आपको ध्यान दिया हुआ है कि पुष्प विहीन है जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं बीज विहीन है सीडलेस है और जमीन पर उगता है तो इसमें से एक्स कौन सा हो सकता है सबसे पहले ध्यान में रखिएगा चीड़ का वृक्ष जो होता है यह जिम्नोस्पर्म फैमिली से आता है किस फैमिली से आता है जिम्नोस्पर्म फैमिली से आता है जिम्नोस्पर्म फैमिली से आता है और चीड़ का जो पौधा होता है साथियों आप लोगों को विद्युत होना चाहिए कि इसमें बीज पाया जाता है तो यह बीज युक्त होता है बीज युक्त होता है यानी चीड़ तो यह होगा नहीं शेवाल के बारे में बात करेंगे तो सेवाल में पुष्प विहीन है सेवाल क्या है पुष्प विहीन है इसमें बीज फ्लावर नहीं होते हैं साथ ही साथ सेवाल में बीज विहीन भी होता है क्योंकि यह थैलोफाइटा थैलोफाइटा ग्रुप 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 से 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 आता 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 है आता है है किस साथियों या काई को आप लोग जड़ तना और पत्ती के रूप में नहीं बांट सकते हैं लेकिन ध्यान में रखिएगा सेवाल या काई किस में आती है जल में उगती है जलोद्भिद होता है जबकि इसने क्या कहा हुआ है कि जमीन पर उगता है तो सेवाल भी नहीं होगा आर्किड के पौधे की बात करेंगे तो आर्किड जो होता है एक बीज पत्री पुष्प वाला होता है एक बीज पत्री पुष्पी पादप है एक बीज पत्री पुष्पी पादप है आर्किड पुष्पी पादप है तो कौन सा सही उत्तर हो गया साथियों फर्न जो हो गया ये सही उत्तर हो गया फर्न प्रणाग जो होगा यह सही उत्तर होगा क्योंकि यह कैसा है यह पुष्प विहीन है इसमें फ्लावर नहीं होते हैं किस फैमिली से यह आता है यह क्रिप्टोगेमी से आता है क्रिप्टोगेमी जो होते हैं बिना फूल वाले होते हैं और फेनरोगेमी वाले जो होते हैं वो फूल वाले होते हैं ठीक है ठीके? तो पुष्प विहीन भी है बीज विहीन भी है और जमीन पर उगता भी है ठीक है सो तो फर्न जो है राइट आंसर है अगले सवाल पे चले जाते हैं निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का समुच्चय है रासायनिक परिवर्तन को आपको बताना है हाँ आर्किड सबसे छोटे में आ जाता है बहुत बढ़िया मेरे भाई याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया उत्पाद बनता है क्या बनता है नया उत्पाद बनता है न्यू प्रोडक्ट बनता है रासायनिक परिवर्तन होगा तो इसमें हमेशा क्या होगा नया उत्पाद बनेगा न्यू प्रोडक्ट बनेगा भैया दूध में चीनी मिलाइएगा तो नया उत्पाद बनेगा आप कहेंगे सर नहीं बनेगा तो यह भौतिक परिवर्तन है दूध से दही जमाना भाई दूध से दही जम गया बिल्कुल नया पदार्थ बन गया दही का गुण दूध से मैच नहीं करता है नया उत्पाद बन गया यह क्या हो गया रासायनिक परिवर्तन हो गया दूध से पनीर बनाना दूध से पनीर बन गया रेनेट एंजाइम डाला जाता है पनीर बन गया अब दूध अलग है पनीर अलग है बाबू तो यह भी रासायनिक परिवर्तन है दही से लस्सी बनना दही और लस्सी दोनों का गुण एक ही समान है बस अंतर यही है कि लस्सी थोड़ी सी पतली होती है लस्सी या छाछ नया उत्पाद तो बन नहीं रहा हुआ है दही लस्सी एक ही समान है इसका मतलब यह भौतिक परिवर्तन है बच्चों तो बी और सी जो है इसमें रासायनिक परिवर्तन है बी और सी कहां पर दिए हुए हैं सेकंड विकल्प के अंदर दिए गए हैं तो सेकंड विकल्प जो है आप लोगों के पास क्या है सही उत्तर है साथियों सही उत्तर है अगले सवाल पे चलूं निम्न में कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा जो है साथियों यह कौन सा है फटाफट फड़ तेजी से इसका उत्तर आए ऊन रेशम फ्लीस, जूट ऊन पता है भेड़ से निकाला जाता है रेशम रेशम कीट से निकाला जाता है फ्लीस जो होता है यह बकरी से निकाली जाती है जूट जो होता है तो को बकरी लिखना चाहिए बकर लिख रहा हूं <laughs> बकरी से निकाला जाता है ठीक है बालक जूट जो होता है आपको पता है जूट के पौधे से प्राप्त होता है जूट से हम लोग रस्सी या बोरे बनाते हैं ठीक है फ्लिश वगैरह या ऊन वगैरह स्वेटर वगैरह बुना जाता है लेकिन इन सब में सबसे मजबूत जो होता है यह मजबूत कौन सा होता है सबसे जूट कब से मजबूत हो गया सबसे मजबूत रेशम होता है कौन सा होता है रेशम होता है रेशम जो होता है सिल्क जो होता है यह सबसे बड़ा है आज क्या करना घर पे प्रयोग कर लेना ऊन को तोड़ के देखना ऊन के धागे को और रेशम के धागे को तोड़ के देखना आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा मजबूत जो है साथियों कौन सा होता है ठीक है अगला सवाल देखोगे निम्न में कौन सा संश्लेषित कृत्रिम सूचक है सूचक वो होते हैं साथियों जो अम्ल क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदल देते हैं हमेशा याद रख लेना प्राकृतिक सूचक में प्राकृतिक सूचक की अगर बात करोगे कि सर नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होता है सर नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होता है तो नेचुरल में याद रख लेना लाल बंद गोभी का पत्ता होता है लाल बंद गोभी का पत्ता जो होता है साथी यह क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है हल्दी जो होती है यह नेचुरल इंडिकेटर होता है लिटमस पत्र जो होता है लिटमस पेपर यह नेचुरल इंडिकेटर होता है साथियों आप बात कीजिएगा गुड़हल का फूल ठीक है गुड़हल का फूल फ्लावर ऑफ चाइना रोज तो यह क्या होता है यह प्राकृतिक सूचक होता है अगर कृत्रिम की बात कीजिएगा आर्टिफिशियल की बात कीजिएगा साथियों कृत्रिम की बात कीजिएगा तो कृत्रिम में याद रखा कीजिए आपके पास क्या है फिनॉल पैथेलिन है क्या है बालक फिनॉल पैथेलिन है आपके पास मिथाइल ऑरेंज है मिथाइल रेड है मिथाइल ऑरेंज है मिथाइल रेड है, ये सब किस में आते हैं कृत्रिम में आते हैं इसने कृत्रिम पूछा है तो हल्दी का घोल प्रकृतिक हो गया हो गया, तो ये नहीं होगा, लिटमस का घोल नहीं होगा क्योंकि ये अभी नेचुरल हुआ मिथाइल ऑरेंज आर्टिफिशियल होगा चाइना रोज मतलब गुड़हल का तो यह भी नहीं हो सकता है क्योंकि नेचुरल होता है तो तीसरा थर्ड जो है आपके पास राइट आंसर है साथियों ठीक है और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न लेता हूं आप लोगों से क्योंकि जो मुझे समय दिया गया हुआ है ये समय सीमा समाप्त हुई है आशा कर रहा हूं आप सभी विद्यार्थियों को आनंद आ रहा हुआ होगा और ये सेशन कल भी आप लोगों के साथ आएगी सैटरडे संडे हम लोग सवा नौ बजे मिला करेंगे तो आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न आप लोगों को प्रेषित कर रहा हूं कि अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रसमल देखिए बीटरूट चुकंदर का रस मल दे जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा तो भाबू चुकंदर जो होगा चुकंदर के बाद गहरे लाल में दिखेगा यानी कि क्या करना है आपको आपको लाल से नीला बनाना है इसका मतलब कि कौन सा होगा छार होगा लाल से नीला होगा तो क्या होगा छार होगा बेसिक होगा इसमें से चेक कर लीजिए कि बेसिक कौन सा है साधारण नमक आपको पता है कि न्यूट्रल होता है बच्चे तो ये तो होगा नहीं ठीक है अब इसमें छारिये की बात करेंगे तो छारिये कौन सा होगा छारिय जो होगा ये बेकिंग सोडे का घोल होगा ठीक है बेकिंग सोडे का घोल होगा ठीक है ये कह रहा है कि सर इतने आसान प्रश्न अरे भाई ये मैंने अपने घर से थोड़े बनाए हैं ये प्रीवियस ईयरस के सारे क्वेश्चन है दो हजार के सारे प्रश्न आपको अभी देखने को मिले हुए हैं तो इस तरह के सभी प्रीवियस के क्वेश्चन इसी तरह का प्रश्न जो होता है वह के अंतर्गत बनाया जाता है ऐसा नहीं है कि सी में कोई चट्टान तोड़ने वाली बात आपसे की जाएगी तो थोड़ा सा आप लोग शालीनता बरतेंगे थोड़ी सी चीजें करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा सो हो फ्रेंड्स आप लोगों को सेशन के अंदर मजा आया हुआ होगा कल भी हम लोग सवा नौ बजे मिल रहे हुए हैं आगे भी इस तरह का ये सेशन आप लोगों के लिए चलता रहेगा तो सेशन कैसा लगा इससे संबंधित चीजें आप लोग ऑफलाइन कमेंट में बताएंगे बाकी एक बार फिर से सूचित कर दूं कि सचिन सर जो हैं वो अपने समय पर आप लोगों को कल से मिलेंगे अपनी क्लासेस के अंदर मिलेंगे तो इस सेशन से जुड़ने के लिए आप तमाम साथियों का हृदय से बहुत बहुत आभार आपके कॉमेंट के लिए मैं प्रतीक्षारत रहूंगा दीजिए इजाजत शुभरात्रि शब खैर